बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फोन कॉल देता हूँ। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फोन करके इसको हमें हिस्सा दे सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 0243-475-178 पर आप कॉल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। All those friends who are watching this show, and should you like to participate in this show and ask a question in English, by all means, feel free to do so on the number on your screen, 0243-475-1718. For the duration of this show, I will be speaking in Urdu, but you can ask a question in English, and I'll endeavor to answer your question in English. नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ, और काफी अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो है इमिग्रेशन एप्लीकेशंस के ऊपर कि काफ़ी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं जवाब के लिए। उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है और अभी तक जवाब नहीं आ रहा और वो काफ़ी परेशान है। होम ऑफिस ने अपने वेबसाइट पर स्टेटमेंट रिलीज़ की हुई है कि अभी जो आजकल जो हमारा सर्विस स्टैंडर्ड है वो है 11 मंथ्स। तकरीबन 11 मंथ्स लग रहे हैं मेरे जो एक्सपीरियंस में, 11 तो लेके 14 मंथ्स लग रहे हैं जवाब आने में। तो अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन, या आपने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन सबमिट की है और 8, 9, 10 माह हो गए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। जवाब आ जाएगा, थोड़ा सा आप सब्र करें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको तंग कर रहा है, या फर्स्ट टाइम भी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अगर आपके पास गुंजाइश है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेरी आपसे एडवाइस होगी कि आप विंडो सर्विस पर एप्लीकेशन सबमिट करें। इससे यह आपको ये फ़ायदा होता है कि 24 आवर्स में आपको डिसीजन मिल जाती है और आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो बेस्ट थिंग इज, अगर आपको अर्जेंसी है, आपने ट्रैवल करना है या आपको जल्दी वीज़ा चाहिए, फिर आप विंडो सर्विस कर लें। जिन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है और आप 8-9 माह से वेट कर रहे हैं और आपके सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने इमरजेंसी ट्रैवल करना है या कोई और कोई वजह आ गई है जिससे आपको जल्दी से वीज़ा चाहिए, फिर आप होम ऑफिस को लिख भी सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में होम ऑफिस विद इन 2-3 वीक्स में उस एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट कर देती है और वीज़ा भी इशू कर देती है। सो अगर कोई खास वजह है वो भी आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ एक्सपेडाइट माई एप्लीकेशन। तो ये थी फर्स्ट अपडेट। दूसरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है एक केस, OHBSSHT, लिटिल बिट ऑफ बैड न्यूज़। ये एक चैलेंज किया गया था होम ऑफिस के खिलाफ के जो असाइलम सीकर्स के डिपेंडेंट्स हैं उनको काम की इजाज़त दी जाए। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने रूलिंग दी है जो मेन असाइलम सीकर है वो काम कर सकता है अगर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है साल से ज़्यादा, लेकिन जो डिपेंडेंट्स हैं वो काम नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर डिपेंडेंट, आपको काम की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर आप डिपेंडेंट हैं और आप काम करना चाहते हैं, फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सेपरेट असाइलम क्लेम कर लें, शायद वो आपके लिए बेहतर हो। इससे ये फ़ायदा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक साल से ज़्यादा पेंडिंग रहती है, फिर आप उनसे काम की इजाज़त मांग सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट होते हैं देन आपको वो नहीं देंगे। नाज़रीन, बेशुमार कॉल वेट कर रही है, और भी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन चलते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कामरान भाई, मैं इधर टंकी से कॉल कर रहा हूँ। जी जी। तो सर ये पूछना था कि मुझे प्रीसेटल स्टेटस मिला हुआ है अनमेरिड पार्टनर बेस पे। ठीक है। तो हम साथ इकट्ठे रहते थे 2018 में, बस दिसंबर 2020 से पहले अप्लाई किया था, तो प्रीसेटल स्टेटस मुझे दे दिए। तो पूछना ये कि अगर 5 साल के बाद जो ना हमें सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और दूसरा ये कि हम इस दौरान यूके से बाहर एवरी ईयर जो ना कितना टाइम गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो अभी आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे? जी जी, रह रहे हैं सर। ठीक है, आप रह रहे हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं एज ए अनमैरिड पार्टनर और आपको होम ऑफिस वीजा इशू कर देती है अंडर द ईयू सेटलमेंट स्कीम, आपका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है जिस दिन से उन्होंने आपको वीज़ा इशू किया। तो आपने मुझे बताया कि आई थिंक 18 से आप इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 20 में उन्होंने आपको वीज़ा इशू किया होगा या 19 में। सो जो आपका टाइम पीरियड है वो शुरू होता है जिस दिन से आपको वीज़ा इशू किया गया। जहाँ तक दूसरी बात है कि
आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेनली कि आप और आपकी पार्टनर इकट्ठे रह रहे हैं, सो एविडेंस ऑफ बीइंग इन अ ड्यूरेबल रिलेशनशिप। अगर आप ये सेटिस्फाई कर सकते हैं फिर मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगी। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल था कि आप कितना टाइम गुजार सकते हैं आउटसाइड द यूके, अगर आप उस लेटर को देखें जिस पर आपको प्री सेटल स्टेटस की ग्रांट मिली हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि आप 2 साल तक यूके से बाहर रह सकते हैं। बट अगर आप गहराई में जाएं, होम ऑफिस के रूल्स कहते हैं कि आप 6 माह से बाहर यूके से बाहर नहीं गुजार सकते, 6 माह से ज्यादा यूके से बाहर नहीं गुजार सकते। अगर आप गुजारते हैं, जब आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे आपका एप्लीकेशन वो रिफ्यूज कर देंगे। तो अक्सर ये क्लाइंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, आप 1 साल यूके से बाहर गुजारते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब आपने 2 साल से बाहर यूके से बाहर नहीं गुजारे, आप यूके एयरपोर्ट पर आते हैं, आपको एंट्री तो दे देंगे क्योंकि आपने 2 साल से बाहर नहीं गुजारे। अगर आप 2 साल से बाहर यूके गुजारते आपको वो एंट्री ना देंगे, नहीं देंगे। तो ये है मेन चीज। लेकिन जब आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट नॉट स्पेंड मोर देन 180 डेज आउटसाइड ऑफ द यूके ईच ईयर, वो फिर आप फुलफिल नहीं करते। और जो प्री सेटल स्टेटस है, जहां तक आप रूल्स को पढ़ें, उसमें आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। सो दैट्स व्हाई मैं आप सबको ये एडवाइस करूंगा कि 6 मंथ से ज्यादा 1 साल में अगर आप ईयू नेशनल हैं या ईयू नेशनल के डिपेंडेंट, आप यूके से बाहर ना गुजारें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो, यू लाइव बने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं कैमरा भाई? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई जी फोन जी, माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम ऐसे की तरह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सर। और बहुत अच्छे से मैं फॉलो कर रहा हूँ और बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। इसी तरह आप प्रोग्राम करते रहे, बहुत सारे हम जैसे भाई बहनों की हेल्प हो जाती है। थैंक यू। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सामान में जी जी, वो ये था कि मैं यहाँ पर हूँ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, मैं अपने भाई का ठीक है, ठीक है, जो मेरा 5 साल का सर्वी स्टेटस है। और मैंने क्वेश्चन ये था कि अगर हमें एलिजिबल होता हूँ यूनिवर्सल क्रेडिट का, अगर मैं ऐसे काम तो कर रहा हूँ मगर बिकॉज जैसे आपकी इनफ इनकम नहीं है तो आपको कुछ थोड़ा टॉप अप मिल जाता है, इससे ये पूछा था कि 5 साल के बाद कि ये फर्क पड़ेगा जब हम सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे कि आप बिकॉज टू पब्लिक फंड हुए हैं या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ये लेना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ये कि ये ना हो कि लेटर ऑफ 5 साल के बाद आपको जो है ना आपके गले में पड़ जाए और आपका जो है ना सेटल स्टेटस है आपका मसला। तो इसमें आपकी क्या नॉलेज और आपका क्या एडवाइस होगा अगर आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो स्पॉन्सर है उसका इस मुल्क में रहना 5 साल के लिए अंटिल जब तक आपका एज एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर आपका सेटल नहीं हो जाता मस्त है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो किसी वजह से वापस भी जाना चाहें अपने मुल्क और उनको सेटल स्टेटस, क्योंकि ये मुझे की बात किसी ने कही है कि जब आप सेटल स्टेटस करेंगे तो उसमें आपसे उसे वो पूछेंगे कि स्पॉन्सर का क्या है, वो 16 डिजिट नंबर होता है जो स्टेटस वो नंबर है उनको जो स्टेटस नंबर वो डालना होता है, तो उसमें कहाँ तक जा सकता है और अगर सही जैसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका ये पहला सवाल है कि आप यहाँ यूके आए एज एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं फॉर यूनिवर्सल क्रेडिट, आप बेनिफिट्स ले सकते हैं या नहीं, अगर आपके एप्लीकेशन सेटल स्टेटस को अफेक्ट करेगा या नहीं। देखिए, अगर आप अप्लाई करते हैं और DWP डिपार्टमेंट ऑफ वर्क पेंशन अगर वो समझती है कि आप बेनिफिट्स के हकदार हैं फिर आप बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर आपके सेटल स्टेटस पर कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आपने अप्लाई किया है, उन्होंने सस करके कहा कि आप ले सकते हैं, सो अगेन देयर विल बी नो प्रॉब्लम देयर।
जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपका स्पॉन्सर यहाँ यूके में नहीं रहता, आपको इशू होगा या नहीं? एंड द आंसर इज नो, इशू आपको नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रूल्स को देखें वो वाजे हैं इस चीज पर कि आपने एज अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, आपने अपनी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। सो अगर आप यहाँ 5 साल पूरे कर लेते हैं, रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, आप यहाँ 6 माह से ज्यादा यूके से बाहर नहीं गुजारते, आपके पास कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, फिर आपको वो सेटल स्टेटस इशू कर देंगे। सो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर फर्ज करें आपके भाई यहाँ यूके में नहीं रहते। अगर आप यहाँ रहते हैं, आप सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, आपको वो इंडेफिनेट ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, चलते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का मेरे भाई। जी फरमाइए जी। असल में दो पॉइंट थे। पहले तो ये है कि जो जैसे कि मेरा अभी जो है ना 12 साल हो गए, 12 इयर्स हो गए, लेकिन अभी मुझे कोई स्टेटस नहीं है। तो ठीक है। अभी फिलहाल जो है ना, मैं असाइलम मैंने अप्लाई किया था लेकिन वो तो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसकी तो कहानी खत्म हो गई है। लेकिन अभी फिलहाल एमनेस्टी का सुनने में आ रहा था, उसका क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं चल पाया, मैं अपडेट नहीं था। ठीक है। मैंने कहा उसका रिवाइज कर दें, और अगर कुछ बनता है 10 साल पे या 12 साल हो गए मुझे, तो उसका क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट ये है, मेरी एक खाला है वो पाकिस्तान में होती है, तो वो अकेली है असल में, उनको मैं किसी बेस पे बुला सकता हूँ? तो नहीं, आपके पास उनका कुछ स्टेटस हो नहीं है सकता ना? है? जी बिल्कुल नहीं है। हाँ नहीं, ऐसे ही आपके है। पास तो नहीं है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवालों का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ना शुक्रिया। जहां तक आपका पहला सवाल है एमनेस्टी के मुतालिक कि क्या अपडेट है, मैं आज इस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहता था। और विदाउट रेजिंग एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी गुड न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है। और इसकी वजह यह है कि अगर आजकल आप देखें, महंगाई तो बढ़ गई है पाकिस्तान की तरह यहाँ यूके में भी, लेकिन अगर आप पोल्स को देखें और अगर आज इलेक्शन होता है, वो कह रहे हैं कि लेबर पार्टी जो है वो 33 पॉइंट से वो जीत जाएगी। मतलब कि तकरीबन उनकी इतनी बड़ी मेजोरिटी होगी जितनी तकरीबन 30 सालों में हमने कभी नहीं देखी पार्लियामेंट में। सो अगर आज इलेक्शन होता है, लेबर विन वेरी इजिली। अभी रहते हैं तकरीबन 2 साल इलेक्शन होने में। अगर आप मुझे एक साल पहले कहते ना कि लेबर पार्टी आ जाएगी पावर में, मैं कहता कि आप पागल हैं, ये नामुमकिन है, हरगिज नहीं आएगी, टोरी पार्टी वो जीत जाएगी। और मैंने बल्कि ये वीडियो में भी कहा था, आई थिंक साल पहले। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, मुझे नहीं लगता कि अब जो टोरी पार्टी है वो अपनी पूरी टर्म खत्म कर सकेगी। आई थिंक अगर इलेक्शन होगा, जब भी होगा, बहुत अच्छा चांस है कि लेबर पार्टी ये इलेक्शन जीत लेगी। अब अगर वो जीत जाती है, इसमें आपको क्या असर होगा, किस तरह आपको फायदा होगा? अब मेरा जो ख्याल है, खाली मेरी राय है। सो प्लीज इसको, ये वीडियो को इस तरह मत शेयर करिएगा कि बस कामरान भाई ने कह दिया यही होगा। मैं बस अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे ख्याल में अगर लेबर पार्टी आ जाती है, एमनेस्टी तो नहीं होगी बट रूल्स में जरूर नरमी होगी। और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 2 सालों बाद कि आर्टिकल 8 एप्लीकेशन, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, उस पर लोगों को वीजा देना शुरू कर दें जो अभी है less than 20 years। और अगर आपके पास कोई ऑब्स्टिकल्स हैं इंटीग्रेशन अप टू योर होम कंट्री, उस पर लोगों को वीजा देना शुरू कर दें। इस तरह की शायद कोई पॉलिसी, इस तरह की कोई नरमी वो शुरू कर दें। बट अभी 2 साल बहुत दूर है। अगर आप यहाँ रह रहे हैं यूके में, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना स्टेटस रिकॉग्नाइज करें। ये नहीं कि आप बस वेट करते रहे। ये हो सकता है कि 2 साल बाद भी टोरी पार्टी रिकवर कर जाए और फिर इलेक्शन जीत जाए, या ये भी हो सकता है कि लेबर पार्टी आ भी जाए और वो इमिग्रेशन में नरमी ना करे। इसलिए हमें सब इवेंचुअलिटीज का देखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। बट आई थिंक इमिग्रेंट्स के लिए गुड न्यूज आ रही है इन द नेक्स्ट 1 ईयर, 18 मंथ, 2 ईयर्स में। जहां तक आपका ये तीसरा सवाल था कि आपको यहाँ तकरीबन 12 साल हो गए, आपको क्या करना चाहिए? अब देखें, रूल्स तो हैं आपके लिए, मेरे ख्याल में आपने पहले भी फोन किया था। अगर आपको 12 साल यहाँ हो गए रहते,
एप्लीकेशन तो आप डाल सकते हैं, कैटेगरी भी है, बट वीज़ा मिलने में बहुत ही कम चांसेस है। सो बेस्ट ये होगा कि एक दफ़ा अपने सिस्टर के पास चले जाएं, उसको अपने सारी सर्कमस्टांसेस बता दें कि ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, क्या आपके ख्याल में बनता है कि मैं एप्लीकेशन डालूं या मैं रहने दूं, क्योंकि पैसे ज़ाया होंगे। सो ये सब कुछ आपने देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि आपकी जो खाला है, अगर आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली नॉट, नो, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है या कोई और फैमिली मेंबर या जो यूके में रह रहा है जिसके पास स्टेटस है, या वो ब्रिटिश है या उसके पास इंडेफिनिट है, वो आपकी आंटी को स्पॉन्सर कर सकता है और वो शायद विजिट के लिए अप्लाई कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, मेरा एक सवाल है। जी जी। तो मैं फादर साहब मिशन किया है, एक साल का जो हुआ, अभी एक साल का बाद तो काम के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मैं नहीं किया। ठीक है, काम के परमिशन के लिए। ठीक है, बार अभी तक मैं कोई रिमाइंडर भी नहीं दिया, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ सिचुएशन बहुत खराब है, अभी अभी खामोशी में बैठो। नहीं नहीं, अभी असाइलम क्या करूँ, असाइलम आपने कब किया था? जी, असाइलम की कितना टाइम हो गया? असाइलम किया था 2016 में। 16 में, और अभी तक जवाब नहीं आया? नहीं 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 बहुत से रिफ्यूज हुआ, वो पहली दफा लिवरपूल से गया, फादर साहब मिशन किया, वो भी रिफ्यूज हुआ। वहां से एक साल पहले मैंने ऑनलाइन से फादर साहब मिशन किया आपने? ऑनलाइन से एक साल। ठीक है, तो अभी तो कुछ भी नहीं रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, लेकिन एक साल का बाद वो काम के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई तो जी जी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, फादर रिमाइंडर भी नहीं किया। जी जी, तो मैं अभी क्या करूंगा? तकरीबन 14-15 मंथ हुआ। आपके कोई बच्चे हैं यहाँ यूके में क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं सिंगल। आप सिंगल रह रही हैं? ठीक है, आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरा भी 17 साल। 17 years। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अमूमन अगर आप एक असाइलम सीकर हैं और आप यहाँ यूके में रह रहे हैं और आपका जो असाइलम एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है एक साल से ज़्यादा, आप वर्क परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब आपने मुझे बताया कि आपने असाइलम क्लेम किए थे 2016 में, वो रिफ्यूज़ हो गए, आपने फर्दर सबमिशन किए वो भी रिफ्यूज़ हो गए। अब मेरे ख्याल में लास्ट ईयर आपने इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के जरिए आपने फर्दर सबमिशन किए हैं जो एक साल से पेंडिंग है, और आप चाहते हैं कि आपको वर्क परमिशन दी जाए। अगर आप गाइडेंस को, रूल्स को देखें, वो ये कहते हैं कि जब तक आपके फर्दर सबमिशन को वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम इसको कंसिडर करेंगे, वो आपको वर्क परमिशन नहीं देंगे। चाहे वो एक साल से अभी पेंडिंग है आपकी फर्दर सबमिशन, जब तक उस पर वो एक्सेप्ट नहीं करते ओके विल कंसिडर दिस, आपको वर्क परमिशन नहीं दी जाएगी। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, एक साल से ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपको वो होम ऑफिस वर्क परमिशन नहीं देगी। सो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि एक साल से ज़्यादा हो गया, आप अपने सेमेस्टर के थ्रू एक रिमाइंडर भेजें होम ऑफिस को कि जी देखें एक साल हो गया, मैं साल से वेट कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट फलाना तरीक़ों किए थे, ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करें और मुझे जल्द से जल्द जवाब दें। और उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको ज़रूर जवाब देगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने सवाल तो नहीं पूछा लेकिन आपके यहाँ 17 years तो हो ही गए हैं। सो अगर आप फ़र्ज़ करें आपका जो साइलम ये फर्दर सबमिशन का जो क्लेम है अगर ये रिफ्यूज़ भी हो जाता है, मेरे ख्याल में ये जो 3 साल आपके रहते हैं या आप किसी तरह निकाल लें और 20 year रेजिडेंस पर आप भी अप्लाई कर लीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पहले मैं बात कर रहा था पोल्स के ऊपर के मुझे लग रहा है कि लेबर पार्टी शायद 2 साल बाद इलेक्शन जीत जाए और माइग्रेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ होगी। इस वीक और न्यूज़ भी निकली थी कि ऐलान हो रहा है इंटरनली कि लिज ट्रस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी, कि वो थोड़े से रिलैक्सेशन करेगी इमिग्रेशन रूल्स में और ख़ास तौर पर ऑन द स्किल्ड वर्कर, क्योंकि अभी भी जॉब्स में बहुत शॉर्टेजेस हैं, और उन्होंने माइग्रेशन कमिटी को ऑर्डर दिया है कि आप हमें बताएं कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसमें कमी है
ताकि हम उन जॉब्स को शॉर्टेज ऑक्यूपेशनिस्ट पर डाल दें और वो फिर काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा कि वो सैलरी भी कम होगी और जो असाइलम सीकर्स भी हैं जिनको काम की परमिशन मिली हुई है वो भी फिर वो जॉब्स कर सकेंगे। ये अभी तक ऐलान नहीं हुआ कौन कौन सी जॉब्स होंगी, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये देख रही है कोई ज़्यादा जॉब्स ऐड करने पर ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। वो ये भी कह रहे हैं इंटरनली कि जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर की V1, इसको भी कम किया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें आजकल जो स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा है उस पर जॉब्स हैं वो हैं मिनिमम लेवल 3 क्वालिफिकेशन, सो इतनी वो हाईली स्किल्ड नहीं है। लेकिन जो आप B1 की रिक्वायरमेंट रखते हैं, जो लोग ओवरसीज से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये मुश्किल होता है पास करना इंग्लिश टेस्ट। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इंग्लिश टेस्ट है इसको शायद अबॉलिश कर दें या जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसको कम कर दें। तीसरी जो न्यूज़ आ रही है इंटरनली वो है जो हाई HPI वीज़ा, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा, उसको वो सोच रहे हैं एक्सटेंड करने को। अभी तक 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे अगर आपने डिग्री ली हो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ UK एंट्री के लिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन सिटीजन्स, अगर आपने इंडिया से डिग्री ली है आप भी अप्लाई कर सकेंगे अंडर दिस वीज़ा। सो इंडियन नेशनल्स के लिए लगता है कि काफ़ी ये गुड न्यूज़ होगी। अभी तक कोई बात कंफर्म नहीं हुई, ये खाली अभी रूमर्स हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाज़रीन एक जो और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता आज, मैंने सोचा डिपोर्टेशन पर थोड़ी सी आज बात करेंगे। अक्सर मेरे पास काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं कि क्लाइंट मुझे फ़ोन करते हैं कि जी हमारे खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर है, हमें सज़ा हुई थी, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं और किस तरह हम अपने स्टेटस को रेगुलराइज कर सकते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूं कि अगर यहाँ UK में आप रह रहे हैं और आपको सज़ा होती है और एक साल से ज़्यादा होती है, होम ऑफिस ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू कर देती है। अगर 12 मंथ से कम होती है आपके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर वो नहीं इशू करते, अनलेस आप एक परसिस्टेंट ऑफेंडर्स, बार बार आप ऑफेंस करते रहते हैं फिर होम ऑफिस आपके खिलाफ वो डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू कर देती है। अगर आपको सजा होती है बिटवीन 12 मंथ्स टू 4 ईयर्स आपके खिलाफ वो डिपोर्टेशन ऑर्डर कर देती हैं, लेकिन आप एक्सेप्शन का भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको सजा होती है 2 ईयर्स, यहाँ 3 एक्सेप्शन हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं जिससे आपको वीजा मिल सकता है इवन इफ होम ऑफिस ने आपके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर कर दिया। सो पहली जो है वो है प्राइवेट लाइफ एक्सेप्शन। अब प्राइवेट लाइफ एक्सेप्शन है क्या, ये मैं आपको बता चलूं, उस पर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने मोस्ट ऑफ योर लाइफ, ज्यादातर आपकी जो जिंदगी है यहाँ UK में आपने लॉफुली गुजारी है, नंबर 1। दूसरी जो रिक्वायरमेंट आपने सेटिस्फाई करनी होती है कि आप यहाँ UK में इंटीग्रेटेड हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक पाकिस्तानी नेशनल, मुझे सजा होती है 1.5 साल की, होम ऑफिस ऑटोमेटिकली मेरे खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर कर देती है इशू। मैं रिलाई करता हूँ ये प्राइवेट लाइफ एक्सेप्शन पर। पहली जो चीज़ है मैंने साबित करना होगा कि मोस्ट ऑफ माई लाइफ, ज़्यादातर मैंने यहाँ UK में जो जिंदगी गुजारी है अपनी पूरी जिंदगी मैंने यहाँ UK में गुजारी है, वो भी वीज़े के साथ, नंबर 1। नंबर 2 मैंने साबित करना है कि मैं यहाँ इस यू कंट्री में मैं इंटीग्रेटेड हूँ, मैं कम्युनिटी का एक अच्छा खासा मेंबर हूँ और मैंने यहाँ जिंदगी बसाई हुई है, नंबर 2। जो तीसरी रिक्वायरमेंट मैंने सेटिस्फाई करनी होती है अंडर द प्राइवेट लाइफ कैटेगरी, अगर मैं चाहता हूँ कि जो डिपोर्टेशन ऑर्डर होम ऑफिस ने मेरे खिलाफ किया है उसको रिवोक किया जाए, वो है कि मैंने साबित करना है कि सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स होंगे, कोई खास वजूहत इस वजह से मैं अपने होम कंट्री में दोबारा इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर देता हूँ और मैं यहाँ ऐसे इंडिविजुअल रह रहा हूँ, एज अकेला शख्स, फिर होम ऑफिस ये जो डिपोर्टेशन ऑर्डर है मेरे खिलाफ इसको रिवोक कर देगी और मुझे रहने की इजाज़त दे देगी जैसे ही मैं रिलीज होता हूँ प्रिजन से। सो दैट्स द फर्स्ट वन। अब दूसरी जो एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ सजा होती है बिटवीन 1 to 4 ईयर्स, दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको यहाँ सजा हुई है 3 साल की आपको सजा हुई है, फिर आप रिलाई कर सकते हैं ऑन द फैमिली लाइफ एक्सेप्शन। अब फैमिली लाइफ की जो एक्सेप्शन हैं वो 2 हैं। फर्स्ट के है कि आपके पास यहाँ एक पार्टनर है जिसका स्टेटस यहाँ ब्रिटिश, या वो उनके पास है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन,
और उनके लिए और जो वर्डिंग होम ऑफिस इस्तेमाल करती है वो है अनड्यूली हार्श होगा कि वो आपसे अलहदा हो जाए या उनको आपके साथ जाना पड़े टू योर होम कंट्री. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पाकिस्तानी नेशनल, मेरी शादी होती है एक ब्रिटिश नेशनल के साथ और मुझे सजा होती है 3 साल की. अब मैं कहता हूं कि जी मेरी जो वाइफ है वो ब्रिटिश नेशनल है और उसके लिए नाइंसाफी होगी कि मुझे उससे अलहदा किया जाए. अब यहाँ मैंने साबित करना होगा मेरी जो वाइफ है उसके लिए बहुत ही सख्त होगा अगर वो मेरे बगैर रहती है और वो यहाँ यूके में रहती है, या उसके लिए बहुत ही सख्त होगा कि हम दोनों इकट्ठे जाके पाकिस्तान में रह लेते हैं चाहे वो ब्रिटिश नेशनल है. सो आई हैव टू शो इट विल बी अनड्यूली हार्श फॉर माय स्पाउस. वो जो तीसरी जो एक्सेप्शन होम ऑफिस देती है, तो दूसरी जो एक्सेप्शन होम ऑफिस देती है फैमिली लाइफ के ऊपर, वो है कि अगर मेरे पास बच्चे हैं और वो बच्चे या 7 साल गुजार चुके हैं या वो ब्रिटिश हैं या वो उनके पास सेटल स्टेटस है इनडेफिनिट लीव टू रिमेन, अगेन मुझे ये साबित करना होगा उन बच्चों को अपने बाप से अलहदा करना अनड्यूली हार्श होगा, बहुत ही सख्त होगा. वो या यहाँ यूके में रहेंगे या उनके लिए बहुत ही सख्त होगा अगर हम सारी फैमिली जाके पाकिस्तान या इंडिया में जाके रहें. सो जो मेन फैमिली के, अगर आपके पास फैमिली है यहाँ, आपने साबित करना है अनड्यूली हार्श. अब अनड्यूली हार्श है क्या, सिंपल टर्म्स में है कि बहुत ही सख्त. अब थोड़ी सी इसमें गुड न्यूज आई है 2 माह पहले और इसका जो नाम है केस का वो है HA Iraq. और इसमें कोर्ट्स ने अपेलेंट्स के हक में, क्लाइंट्स के हक में ये फैसला दिया. अब मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं. जब भी कोई किसी को सजा होती थी और वो अपील पर जाते थे, वो डेपुटेशन ऑर्डर को चैलेंज करते थे, होम ऑफिस क्या करती थी, एक केस था जिसका नाम था KO Nigeria, इस पर होम ऑफिस रिलाई करती थी और 99% होम ऑफिस वो अपील जीत जाती थी. और जिस पैराग्राफ पर होम ऑफिस रिलाई करती थी वो ये है, वन इज लुकिंग फॉर अ डिग्री ऑफ हार्शनेस गोइंग बियॉन्ड व्हाट वुड नेसेसरीली बी इन्वॉल्व्ड फॉर एनी चाइल्ड फेस्ड विद द डिपोर्टेशन ऑफ अ पेरेंट. सो एज एन अपेलेंट, आपके पास यहाँ बच्चे हैं और आप कहते थे कि जी देखें मेरे 2 ब्रिटिश बच्चे हैं, आपने मेरे खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन प्लीज ये बहुत गलत होगा कि अगर आप मुझे बच्चों से अलहदा कर जाएंगे. होम ऑफिस इस स्टेटमेंट पर रिलाई करती थी जो KO नाइजीरिया से आती है और होम ऑफिस पर अपील जीत जाती है. ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जब भी किसी के खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर होता है तो उसके पास बच्चे हैं जो ब्रिटिश हैं या सेटल्ड हैं, अगर वो शख्स यहां रहना चाहता है उसको साबित ये करना होगा जो सख्ती एक बच्चे को सामना करनी होगी वो बहुत ही सख्त होगी. तो जो भी सख्ती एक बच्चे को सामना करनी होगी वो बहुत ही सख्त होगी. अब प्रॉब्लम यहां ये आती थी कि अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, एक बच्चा है क्या? अगर फॉर एग्जांपल 2 क्लाइंट्स हैं, दोनों को एक एक 2-2 साल की सजा हुई है और एक क्लाइंट के पास जो बच्चा है उसका उसकी एज है 5 years old और जो दूसरा क्लाइंट है जिसको 2 साल की सजा हुई है उसकी एज है 17 years old. आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चा 5 साल का है उसको अपने फादर की ज्यादा जरूरत है बल्कि बजाय जो बच्चा 17 साल का है, क्योंकि 1 साल बाद तो वो 18 का हो जाएगा और उसको इतनी डिपेंडेंसी फादर पर नहीं होगी. बट अगर ये जो स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ी थी आपको, वो कह रही है कि एनी चाइल्ड. अब जब आप एनी चाइल्ड पर कर रहे हैं डेफिनेशन, आप उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप क्या कह रहे हैं, अच्छा जो सख्ती एक बच्चे को सामने करनी होगी वो उस बच्चे की एज क्या होगी, 6 years old, 7 years old, 8 years old, 9 years old, 10, आप किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं? नामुमकिन है. और यही फिर इशू आया था 2020 में और कोर्ट ऑफ अपील ने कहा ये जो टेस्ट होम ऑफिस इस्तेमाल कर रही है कि नाइजीरिया से, वो जो कह रही है कि ये जो सख्ती एक बच्चे ने सामने करनी होगी ये गलत है और ये टेस्ट नहीं होना चाहिए. और ये अभी जो केस 2 माह पहले हुआ है HA Iraq सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात तस्दीक की है और उन्होंने ये कहा है कि देखें अगर किसी को सजा होती है 1 साल लेके बिटवीन 4 years, ठीक है अगर उसके पास बच्चा है या उसके पास एक पार्टनर है जो ब्रिटिश है,
आपने सख्ती साबित करनी है कि अगर आपको अलहदा किया जाएगा अपने बच्चों से या अपने पार्टनर से, ये बहुत ही सख्त होगा, किसी की नाइंसाफी होगी, लेकिन इतना भी वो टेस्ट हाई नहीं है कि नामुमकिन। तो पहले क्या होता था, 2020 से पहले जो भी अपील जाती थी डिपोर्टेशन की, आप हार जाते थे हमेशा होम ऑफिस अपील को, 99.99% वो अपील जीत जाती। सो अभी जो एच ए इराक में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये है कि ठीक है, इट्स एन एलिवेटेड टेस्ट, बट इतना भी हाई नहीं है कि वो नामुमकिन है। और उन्होंने ये वर्डिंग भी इस्तेमाल की है कि जब हम हार्श के साथ अनड्यूली लगा देते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही सख्त रिक्वायरमेंट है, बट इट्स वेरी गुड न्यूज। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं यूके में और उनके खिलाफ एक डिपोर्टेशन ऑर्डर है, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि क्लाइंट्स के अपील्स में हवाला जरूर दिया जाता है कि मेरे बच्चे यहाँ ब्रिटिश हैं या मेरी पार्टनर यहाँ ब्रिटिश हैं और मुझे यहाँ वीजा दिया जाए, बट दैट्स नॉट एनफ। आप अगर इस तरह के ग्राउंड बनाते हैं, आपका सोलिसिटर बनाता है या आपका एडवाइजर बनाता है, इस तरह आप इसको पेश कर देते हैं होम ऑफिस को या इन दी फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल, आप ये अपील हार जाएंगे। सो ये भी याद रखें, रिक्वायरमेंट काफी हाई होती है, आपने अपने सारे सर्कमस्टांसेस दिखाने होते हैं कि किस वजह से ये सख्ती होगी, कोई खास वजह आपने दिखानी होती है, नामुमकिन नहीं है। अक्सर मैंने भी अपील जीती है, बल्कि हमने 3 वीक पहले एक अपील जीती है डिपोर्टेशन की। सो इसका भी आपने जरूर ख्याल रखना है। एच ए इराक बहुत अच्छा केस है, इसका जरूर हवाला दें, इसको पढ़ें और इसके मुताबिक आप अपना केस तैयार करें। एक और चीज डिपोर्टेशन के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको 4 साल से ज्यादा सजा होती है, आपने साबित करना होता है वेरी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी थोड़ी सी लैबोरेशन की है कि इसका ये मतलब है बहुत ही खास वजूहत। सो अगर आप समझ लें, एक से एक तो लेके 4 साल आपको सजा होती है, आपने साबित करना है अनड्यूली हार्श, ये यहाँ है इन द मिडल, सख्त है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपके सर्कमस्टांसेस हैं आप अपील जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको 4 साल से ज्यादा सजा होती है, यू मस्ट शो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। जो होम जो कोर्ट ने उसका जो डेफिनेशन दिया है वो है एक्सेप्शनल, बहुत ही खास। सो यहाँ तक आप कह लें बहुत ही आसमान तक, और वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसका भी थोड़ी सी गुड न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने देखना है, जज ने देखना है कि किस तरह की ऑफेंस है। सो अगर जितनी सीरियस है उतना ही मुश्किल होगा आपको अपील जीतने में और डिपोर्टेशन को रिवोक करने में। लेंथ ऑफ द सेंटेंस, जितनी लंबी सजा आपको मिली है उतना ही मुश्किल होगा आपको डिपोर्टेशन ऑर्डर रिवोक करने में। सो अगर आपको कम सजा मिली है, फॉर एग्जाम्पल 6 ईयर्स, आपके चांसेस बेहतर हैं एक शख्स से जितने जिसको 20 साल 20 ईयर्स की सजा मिली है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा डिपोर्टेशन ऑर्डर को रिवोक करना। और तीसरी चीज़ बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो मैं चाहूँगा कि अगर आपको आपके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर है, प्लीज़ इसका भी हवाला दें कि पहले क्या होता था, आपको सजा होती थी और आप कंप्लाई करते थे प्रोबेशन ऑफिसर के साथ, और आपकी एक रिपोर्ट बनती थी जेल में कि ये जो बंदा है ये अब लो रिस्क ऑफेंडर हो गया है, ये अपनी गलती को तस्लीम करता है और ये चेंज हो गया, प्रोबेशन रिपोर्ट्स को कहते हैं। जब हम ये पेश करते थे जज के सामने, जज इस पर ज्यादा वजन नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि बस अगर चाहे आप बदल गए हैं जुर्म के बाद, आप उस जगह पर वापस गए हैं जहां आपको होना चाहिए था जुर्म से पहले। सो जुर्म से पहले आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए था। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जेल गए हैं, वहां आप बदल गए हैं, आप उस मुकाम पर पहुंच गए जहां आपको होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एच ए इराक में स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि अगर एविडेंस है, कोई बंदा रिहेबिलिटेट हो गया, बदल गया है, और वो एविडेंस है, इस पर भी आपको वजन देना चाहिए। सो उम्मीद है कि ये जो अपडेट मैंने आपके साथ आज शेयर की, ये काफी तफसील में डिपोर्टेशन के हवाले से, कि आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे। नाजीन देखते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, लुक्स लाइक द कॉल बीन ड्रॉप्ड, आई विल कैरी ऑन माय अपडेट। राइट, आखिरी जो अपडेट मैं इस वीक जो आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है इंडियन स्टेटलेस पर। अब आपको पता है
कि पिछले 5-6 सालों से अगर आपका बच्चा 5 साल का यहाँ होता है, इंडियन नेशनल खास तौर पर, दूसरे कंट्रीज भी हैं, श्रीलंका और भी कंट्रीज हैं, कि अगर बच्चे की बर्थ आपने यहाँ रजिस्टर नहीं की एंड ही इज बिटवीन 5 एंड 22, आप उसके लिए नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे जैसे ही वो 5 साल का हो जाता है। 2021 में, 20 में प्रीति पटेल ने ये बिल पास किया था, वो बिल नहीं सॉरी, उसने एक प्रपोजल किया था जो अभी बिल बन गया है, और उसका ये मकसद था, उसने कहा था स्टेटमेंट में कि जो स्टेटलेस का जो रूल है काफी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, हम इस लूप होल को बंद करना चाहते हैं। अभी ये लॉ आ गया है और 28 जून से अगर आप अभी स्टेटलेस की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपको साबित करना होगा एज अ पेरेंट आपने मुनासिब कदम लिए हैं बच्चे की बर्थ को रजिस्टर करने में। अब पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन हाई कमीशन की मिसाल ले लें, आपका बच्चा एक इंडियन नेशनल है या स्टेटलेस है शॉबी साइक, और आप जाते थे इंडियन हाई कमीशन के पास, वहां आप वो स्टेटस लेटर ले लेते थे। अब स्टेटस लेटर पर लिखा क्या होता था कि ये बच्चा, ये इसकी एज है, ये इसके पेरेंट्स हैं, इस बच्चे की बर्थ रजिस्टर नहीं हुई, पेरेंट्स ने रजिस्टर नहीं की, बस। और उससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, आप कर सकते थे। सो अब क्या होम ऑफिस कह रही है कि अगर आप बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल, एज ए स्टेटलेस चाइल्ड, आपको पहले साबित करना होगा आपने कदम उठाए हैं, आपने वहां जाके हाई कमीशन में एप्लीकेशन सबमिट की है और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होगी हाई कमीशन की तरफ से। और एक और मिसाल भी वो देते हैं कि अगर फर्ज करें बच्चे की एप्लीकेशन या बच्चे की बर्थ रजिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है, फिर पेरेंट्स ने भी साबित ये करना होगा कि उन्होंने पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई किया है और उनको नहीं मिले। अगर पेरेंट्स कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते जिस वजह से उनको पासपोर्ट्स नहीं मिलते और उस वजह से बच्चा नेशनलिटी इंडियन पासपोर्ट नहीं ले सकता, फिर बच्चे की नेशनलिटी भी रिफ्यूज हो जाएगी। सो बहुत ही है इन्होंने मुश्किल कर दिया है हासिल करना ब्रिटिश नेशनलिटी एज अ स्टेटलेस चाइल्ड। तो अगर आप अब लेटर ले लेते हैं, चिट्ठी इंडियन हाई कमीशन से, और वो आप जमा करवा देते हैं, तो होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। मैंने अक्सर वीडियोस देखे हैं अभी आजकल लास्ट वीक 2 वीक्स में कि अभी भी ये न्यूज फैल रही है कि अभी भी लोगों को स्टेटलेस पर नेशनलिटी मिल रही है, लेकिन वो एप्लीकेशन वो जो आपको वीडियो में ये नहीं बता रहे कि ये जो एप्लीकेशन थे ये 28 जून से पहले जमा हुए थे, चाहे अभी फैसले वो आ रहे हैं जो रूल लागू हो रहे हैं उन एप्लीकेशन पर, वो हैं 28 जून से पहले, जहां आपको खाली चिट्ठी देनी होती थी कि ये बच्चा स्टेटलेस है। सो अभी अगर आज आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जो नए रूल आए हैं ये आपको फुलफिल करने होंगे और ये काफी मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन। सो इसका जरूर आपने ख्याल रखना है, बगैर समझे आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर देनी, क्योंकि अगर रिफ्यूज हो जाती है आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। नाजिन एक कॉल, फिर कॉलर वेट कर रहा है, ये हमारी आखिरी कॉल होगी, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। कमल भाई, मेरा एक सवाल है। जी टेन ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी पे एप्लीकेशन डालनी है, जी तो जी प्रूफ ऑफ एड्रेस देना। हम लोगों ने रिसेंटली घर मूव किया, करीबन 2 महीने में, लेकिन हम लोग टेम्परेरी मूव हुए हैं, 2 महीने तक हम लोगों ने परमानेंट मूव होना है जिस जगह पे। तो अभी हम लोगों ने पुराना एड्रेस नहीं घर का चेंज किया कि जब हम परमानेंट मूव होंगे तो वहाँ का करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि मैं रहे हम लोग यहाँ पे रहे हैं, जो स्टेटमेंट होंगी उनमें से ये करंट लैंडलॉर्ड को रेंट पे हो रहा है, तो जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो मैं पिछले पुराने घर का लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वही प्रूफ ऑफ एड्रेस, वही पिछले वहां पे हम लोग 2-3 साल से रह रहे हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब बेस्ट यही होगा कि अगर आप एड्रेस को चेंज कर लें, चाहे आपकी पोस्ट नहीं आ रही, आप ऑनलाइन स्टेटमेंट्स कर लें, बेस्ट यही होगा कि आप जो करंट एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं वो ही आप स्टेटमेंट्स पर लगा लें। अगर आप किसी वजह से आप नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं होम ऑफिस को कि रहे हम यहाँ रहे हैं बट जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो पिछले एड्रेस पर है, क्योंकि हमने अभी तक चेंज नहीं की, क्योंकि ये टेम्परेरी अकोमोडेशन है हमारे लिए, हम दोबारा मूव होंगे या पोस्ट नहीं आती, सो इसलिए हमें ये एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता ये इतनी प्रॉब्लम होगी आपके लिए, क्योंकि जब आप लॉन्ग रेजिडेंस पर अप्लाई करते हैं जो मेन चीज़ होम ऑफिस देख रही होती है कि आपने यहाँ 10 साल गुजारे हैं विद लॉफुल लीव एंड द लीडिंग कैस ऑन दैट इज अफजाल, उसको आप जरूर देख लीजिएगा।
आपने साबित करना है कि आपके लिए में कोई ब्रेक नहीं हुआ, अगर आपने कोई भी टाइम 39E के तहत स्पेंड किया है वो भी आपने बाद में पूरा करना है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस आपको इंडेफिनिट ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकें। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।